नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी IRDA स्टॉक में। इस समय 104 पे ट्रेड कर रहे हैं और मेजर रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म इज 107। एक बार इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो ट्रेंड कंटिन्यू, नहीं तो कंसोलिडेट, और सपोर्ट 95.86। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में याद है तो मैं आपको यकीनन इस बात का आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप बाजार में लॉस नहीं करेंगे। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक को शेयर करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और ये संदेश दे कि आईनॉक्स शेयर चाहे कितना भी बढ़िया है, इस समय वीक है, इस समय शॉर्ट टर्म के लिए लोगे तो फंसोगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब अपडेट्स में, आईनॉक्स के अपडेट्स कुछ भी नहीं है। जो डिलीवरी है वो बेटर है और जो ट्रेंड है वो भी बेटर है। यहाँ देखेंगे जो ट्रेंड मंथली है वो भी बेटर है और जो डिलीवरी है वो भी बेटर है, लेकिन मैं 107 के ऊपर की बाइंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली ट्रेंड निगेटिव है और यहाँ जो हमारा क्राइटेरिया चाहिए वो यहाँ नहीं दिख रहा है। 5 लाख के आसपास, 5 करोड़ की वॉल्यूम है और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने 5 लाख कैसे बोल दिया, 5 करोड़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान दो। ये जो टिपी जो मिस कहीं ऊपर नीचे हो जाता है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की गलती या कोशिश नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ जो IRDA है ये डाउन ट्रेंड के ट्रेंड में है और इसका रिवर्सल 107 के ऊपर का क्लोजिंग। एक बार यहाँ क्लोजिंग दे दिया ना, फिर आप 123 और 150 और 320 जैसे लेवल्स लेंगे। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीक है, वीक इसीलिए नहीं है क्योंकि वीक होगा 95 के नीचे। ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप होल्ड कर सकते हैं 6 मंथ टू 12 मंथ, तो फिर ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। ग्रैब करते रहो, माल उठाते रहो, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है ये इसके ब्रेकआउट पे लेंगे और जो टारगेट मैंने कहा 130, 23, 150 और 320 के लेवल्स दिखेंगे। ओवरऑल अभी भी मुझे ट्रेंड स्ट्रांग लग रहा है।